हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया की फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उसको देखिएगा, बिकॉज मैंने उसमें सारे फॉर्मूलेज बताए हैं इस चैप्टर के एंड पूरे चैप्टर में ओवरऑल क्या है वो सब चीज़ें बता दी हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। 9.1, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं, आपको उनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं पैरेललोग्राम का जब हमें एरिया निकालना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बी इंटू एच, बी इज़ फॉर बेस एंड एच इज़ फॉर हाइट। तो बी इंटू एच यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हर क्वेश्चन में। तो आप ए पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको हाइट दे रखी है, ये हाइट है 4 सेंटीमीटर और ये बेस है यानी लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो ये आपको दे रखे हैं, अब बस हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है हर पार्ट में एंड हमें अपना एरिया पता चल जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि जो आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। अगर आपका मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स जो हैं सेंटीमीटर में है तो आंसर हमेशा हम सेंटीमीटर स्क्वायर में देंगे, क्योंकि जब 2 सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है। तो अब हम ए पार्ट से शुरू करते हैं। इसमें आपको 4 सेंटीमीटर हाइट एंड 7 सेंटीमीटर बेस दिया गया है, तो हम आंसर में सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले हमें लिखना होगा। कैसे निकलता है? बी इन टू एच, इस फॉर्मूले से, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब उस हिसाब से आप बेस देखो, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ए पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, और हाइट जो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, 7 4 28 हो जाता है, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ये एरिया हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप ऐसे करोगे, ठीक है, और फिर सेम तरीके से आप हर पार्ट का आंसर करेंगे। तो अभी बी पार्ट देखते हैं। इसमें 3 सेंटीमीटर हाइट है और 5 सेंटीमीटर बेस है, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सेंटीमीटर बेस है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हाइट का जो कि यहाँ दी गई है 3 सेंटीमीटर, 5 3 हो जाता है 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। सी पार्ट में है 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर, तो हम बेस देखेंगे, बेस है 2.5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, यहाँ पर हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करना आता होगा, 2.5 एंड 3.5, तो 5 5 सा हो जाता है 25, 5 इधर और 2 कैरी में, 5 2 सा 10, 12 हो गया, 2 कैरी वाला हम लेंगे, तो 5 2 सा 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, 3 5 सा हो जाएगा 15, 1 कैरी में जाएगा, 3 2 सा 6 एंड दिस 7, ठीक है। फिर यहाँ 5 आ गया, यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 8। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, देखो 2.5 में आपका डेसिमल 5 के आगे लगा है यानी एक डिजिट के बाद, और 3.5 में डेसिमल एक डिजिट के बाद, इस 5 के बाद लगाए, तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद, यानी दोनों मिलके कितनी हो गई, 2 डिजिट्स हो गई। तो यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद लगेगा, 8.75। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 8.75, और स्क्वायर यूनिट में हमेशा आंसर आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं सिर्फ एरिया की बात कर रही हूँ, एरिया में ही आप सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं, पैरामीटर होता तो हम स्क्वायर यूनिट्स में आंसर नहीं देते। उसके बाद आता है डी पार्ट, इसमें आपका बेस और हाइट, देखो ये तो हाइट है इस तरीके से, ये अंदर हाइट दे रखी है और ये बेस है यानी लेंथ है, तो आप बी इंटू एच के हिसाब से करेंगे, 5 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 सेंटीमीटर का, तो 4.8 एंड 5 जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 8 5 ज़ा 40 होता है, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24, और डेसिमल आपका 8 के बाद लगा हुआ है, तो एक डिजिट के बाद लगाए है ना, तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद ही लगेगा 24.0। अब 24.00 की तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 24 हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई पार्ट सेम है, यहाँ पर भी
आप क्या करोगे, बेस आपका क्या है 2 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 4.4 सेंटीमीटर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.4 सेंटीमीटर। अब इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4.4 और 2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू ज़ा 8, अगेन 4 टू ज़ा 8, डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा, 8.8 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डेसिमल है, ये वाला डेसिमल है। उसके बाद अच्छा यहीं पर फिनिश हो गए सारे पार्ट्स। सो यहाँ पर टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के, तो मैंने ए वाले पार्ट का आंसर इधर लिखा है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर हुआ था, तो आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे, सारे पार्ट्स यहीं पर हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को आपको करना है लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।